सोनी जी, ये सवाल मेरा आपसे है. चलिए, हमने टैक्स की बात की, कैशलेस, क्योंकि फोकस सडनली वो उस पर हो गया है डिमोनेटाइजेशन के बाद. व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट? वो रियल इकोनॉमी पिकअप करेगी कहाँ से इन्वेस्टमेंट? यू नो, बैंकर्स ने रेट कम करना शुरू कर दिया है. जैसे भी निखिल कह भी रहे थे, बैंक्स में पैसे भी बहुत आए हैं, जो क्रेडिट डिमांड तो है नहीं. अब इसका, इसे ट्रिगर करने का एक तरीका ये हो सकता है दैट गवर्नमेंट स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट्स वे आउट ऑफ दिस सो कॉल्ड स्लो डाउन. ये हो पाएगा लगता है आपको? नहीं, देखिए, ट्रिगर तब होगी जब डिमांड बढ़ेगी. और डिमांड कहाँ से आती है? जो हमारे 1.25 बिलियन जो हमारे इंडियन पॉपुलेशन है, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनका जरिया बढ़ेगा, सैलरी बोलिए या बिजनेस बोलिए से, तो ये खर्चा करेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी, तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे. फिर मैं इसमें आता हूँ, अगर आपको डिमांड बढ़ानी है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, डिमांड बढ़ानी है ऑटो प्रोडक्ट्स की, डिमांड बढ़ानी है कपड़ों की, तो हमको आम भारतीय की इनकम बढ़ानी पड़ेगी. और 70% भारतीय गांव में रहते हैं. मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा इस बजट में कैसे गांव में लोग हैं उनकी इनकम बढ़े. अभी मैं आपको सेक्टरल एलोकेशन की बात करूं, उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत ही अजीब बात है. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बजट में जितना भी खर्चा एक्सपेंडिचर होता है, तकरीबन 18 लाख करोड़ के करीब होता है, इसका एलोकेशन इस हिसाब से होना चाहिए कि जिस सेक्टर का जीडीपी में जितना कंट्रीब्यूशन हो. वेरी लॉजिकल है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कृषि का जीडीपी में 13% कंट्रीब्यूशन है, और उसमें 25-26% कंट्रीब्यूशन पशुपालन का है. करेक्ट, ठीक है, 3% जीडीपी का मानते हैं. अब मैं आपको बताऊं कितना पशुपालन पर बजट एलोकेशन होता है, तो आप हंसेंगे. सिर्फ 2500 करोड़ आउट ऑफ द टोटल बजट ऑफ 18 लाख करोड़. जबकि अगर 3% जीडीपी पशुपालन की है, तो कम से कम 50,000 करोड़ पशुपालन पे होना चाहिए. उसका क्या फ़ायदा, मैं आपको बताता हूँ. 70% लोग जो गांव में रहते हैं वो हैं लैंडलेस और मार्जिनल. वो सिर्फ 30% ही जमीन होल्ड करते हैं कृषि की. पर जितना भी कृषि का बजट है, अब देखिए, फर्टिलाइजर सब्सिडी 70,000 करोड़ जाती है. किसको जाती है? जिसके पास ज़मीन है. सीड सब्सिडी किसको जाती है? जिसके पास ज़मीन है. क्रॉप लोन का इंसेंटिव भी किसके पास जाता है? जिसके पास ज़मीन है. जिस किसान, जो 70% लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको हम कैसे हेल्प कर रहे हैं इस बजट पे, जबकि वो तो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पर हम उनको वापस कुछ नहीं दे रहे. तो अगर उनकी इनकम बढ़ेगी तो नेचुरली वो खर्चा करेंगे, और वो खर्चा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट सब ऑटोमेटिकली पॉसिबल है. पर आप कुछ ऐड करना? सोडी जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ. भारत में करीबन 14,000 चाय के बागान हैं. हर एक बागान में 4-5 गांव होते हैं. हर एक 2-3 गांव के बीच में एक बैंक होता है और एक ATM होता है. अब अचानक डिमोनेटाइजेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं. मेरी तो सरकार से ये गुजारिश है कि आप गांव में जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, साउथ इंडिया में जाइए, जहाँ लोग हिल्स में रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग. क्योंकि अगर आपका, बोलने में अच्छा लगता है कि आई सपोर्ट डिजिटल इंडिया, बट आप जब, मैं खुद जब चाय के बागान में जाता हूँ, तो करीबन 30-40% मेरा मोबाइल का सिग्नल ही नहीं आता है. तो अगर रिमोट, सो इफ यू आर, एंड दीज आर ऑल इंडियंस, यू नो, एंड कंपेयर दिस विथ माई अर्लियर दिस ईयर, आई वेंट टू अ प्लेस कॉल स्कैंडिनेविया, और वहाँ पे बिल्कुल रिवर्स इससे. अगर मैं $100 की नोट निकालता हूँ, लोग डर जाते हैं. मीन्स, यू नो, वो वहाँ से भाग जाते हैं कि हमारे पास आप चेंज मांग रहे हो. हमने तो कभी $100 की नोट पूरे महीने में नहीं देखी, या 50 पाउंड या 100 यूरो की. मीन्स दे आर सो डिजिटाइज, बट लुक एट देयर पॉपुलेशन, वेरी स्मॉल. लुक एट देयर लैंड साइज, वेरी स्मॉल, वर्सेज इंडिया. इंडिया इज़ अ कॉन्टिनेंट. सो सोडी साहब ने जैसे बताया, गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है, और आई एम श्योर कि सरकार इसके बारे में काम कर रही है. और सिग्नलिंग, यू नो, सिग्नलिंग थियरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दो चीज़ें, गवर्नमेंट जब इन्वेस्ट करेगी हैविली, ये दूसरे प्राइवेट उद्योगपतियों के लिए सिग्नल है. सरकार पैसा डाल रही है तो हम भी डाल सकते हैं. दूसरा, आई थिंक कॉन्फिडेंस. गवर्नमेंट इज़ नॉट सपोज टू बी पैटर्नलिस्टिक इन नेचर. गवर्नमेंट को फैसिलिटेशन का रोल करना है. दे हैव टू फैसिलिटेट, गिव डायरेक्शन. तो सरकार डायरेक्शन देगी इफ दे वर्क नॉट ओनली जस्ट इंक्रीजिंग रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग, एक कॉन्फिडेंस देती है लोगों को. आज थोड़ा कस्टमर जो है थोड़ा सा वो अचंभे में है, वो उसका कॉन्फिडेंस जाग जाएगा. आई थिंक देयर विल बी अ डिमांड जनरेशन ऑटोमेटिकली.
this, you know, one point that I have is, and, you know, one of the, you know, maybe Umang, you asked this question about fiscal deficit and where is it that it should go. On the fiscal deficit piece, ek cheez jo change honi chahiye, wo ye hai ki aapko ek point wala system kar dena chahiye, because hamara hamesha se kya attitude rahe fiscal deficit ki taraf, hum usko na ek bucket de dete hain ki 3.5 to 4% or etc. To ek to point level pe aap kariye. Now logically at this point in time, liquidity agar aapke paas zyada hai to aapko investment karne mein bhi aasani honi chahiye, but lekin sarkar ko ab sabki expectation yahan pe including all of you ki bhai sarkar tax ke andar breaks de de. अब टैक्स के अंदर ब्रेक्स दे दो और साथ में इन्वेस्टमेंट भी कर दे. अब टैक्स में ब्रेक देगी और इन्वेस्टमेंट करेगी तो जाहिर सी बात है फिस्कल डेफिसिट को आप नीचे तो रख नहीं पाओगे, जाहिर सी बात है. बट पोटेंशियली मेरा जो व्यू है, एटलीस्ट जो मेरा इस पॉइंट इन टाइम पे व्यू है, वो ये है कि आई थिंक एक पॉइंटेड फिस्कल डेफिसिट रखेंगे जो ओवर अ पीरियड इन टाइम ही आई थिंक आके रिड्यूस होगा उस लेवल पे. इन द शॉर्ट रन आई डोंट थिंक वी विल बी बैड, इनफैक्ट आई थिंक इट विल बी गुड इफ यू लुक एट अ स्लाइटली हायर नंबर. Because that will mean we are giving investment impetus. Economy को investment impetus की ज़रूरत. तो वैसे भी जो जिस economy को आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या thrust देने की, वहाँ पे आपको compromise करना ही पड़ता है. हमको fiscal deficit इस चीज़ है, जैसे मेरा तो खुद का opinion ये है, मेरा तो खुद का opinion ये है कि tiger economies की तरह, हमारे unfortunate हमारे देश की एक problem है, we are a inflation obsessed country. Inflation obsessed, so that's the problem. Yeah, yeah. Can we have mic here, please? My question to the panel is, in the light of this denominatization, there are certain sectors like real estate, gold, or tours and travels. You know, these sectors are the one heavily beaten sectors. You think there are going to be any special pat for these particular sectors we can expect from this particular budget from the government? You mean to say they are weakened means they are more impacted? Yeah, they are more impacted. Actually, why should people go and buy gold in cash? No, they should buy through check, through credit card only. That is the intention. The contrary, why should they buy tickets in cash? It's gold prices. I would say that's by design. So actually speaking, that is good. No. Gold prices are not a function of India. It's an international price. So if you buy by credit card, it is good. You know, you are playing a good international. But again, wo aapka tourism wala, I think as we want visa on arrival, जो जिसके ऊपर भारत सरकार का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, वी हैव आई थिंक मूव फ्रॉम सम 40 ऑड कंट्रीज टू 150 कंट्रीज, वीजा ऑन अराइवल्स टूरिस्ट कमिंग टू इंडिया, प्रीपेड INR कार्ड्स टू बी गिवन, आई थिंक दैट शुड बी प्रॉब्ली पार्ट ऑफ द बजट. एक चीज इसमें मिस आउट हो रही है और वो जो कि अहम भी है और आई थिंक यहाँ पे भी सबके कंसर्न होगी पीरूस, वो है जॉब क्रिएशन. आप रियल जॉब क्रिएशन का नंबर अगर देखेंगे आप, और मैं पिछले मोदी सरकार या यूपीए सरकार की बात करूँ, पिछले 10 साल का डेटा उठा के देख लीजिए, देर इज़ अ सीरियस कंसर्न, बिकॉज हर साल आस्किंग रेट है 2-2.5 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट करना. इट्स ऑलमोस्ट लाइक एडिंग एन ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया एवरी ईयर इन टर्म्स ऑफ जॉब्स. और जो हम कर रहे हैं फॉर्मली, उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है. सी, दिस विल कंटिन्यू टू हैपन बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जो सर्विस सेक्टर में नए जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, दोज आर नॉट एग्जैक्टली जॉब क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज. एग्जैक्टली. फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रिक मॉर्टर जब दुकान खुलती है तो वो दुकान में 500 लोग आ जाते हैं, वही डिजिटल खुलती है तो डिजिटल में कितने लोग आते हैं. सो दैट इज अ प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन है, एंड प्रॉब्ली दैट इज आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो. और मेरे हिसाब से द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग शुड बी इंक्रीज टू अ वेरी हाई लेवल. This country requires that. उससे क्या फायदा होगा कि पूरी इकोनॉमी को बूम मिलेगी और एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्स अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. वी नीड बिगर हाईवेज, वी नीड सुपर हाईवेज, वी नीड मोर पोर्ट्स, वी नीड वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन. इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा. सेकंड, जो मैं हमेशा मानना चाहता हूँ कि हमारी कंट्री में एग्री और फूड प्रोसेसिंग को सेपरेट देखा जाए, भाई वही नहीं दिखते कि वन इंडस्ट्री विच कैन रियली क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इज फूड प्रोसेसिंग. एंड वी डिड वन रिसर्च विच प्रूव्ड दैट वी कैन क्रिएट 40 times मोर जॉब्स इन फूड प्रोसेसिंग देन आई टी इंडस्ट्री. 1 करोड़ अगर आई टी में लगाओ तो एक आदमी को जरूर पड़ेगी, 1 करोड़ अगर फूड प्रोसेसिंग लगाओ तो 40 आदमी की जरूरत पड़ेगी. एग्जैक्ट गिन के दिलाए, एग्जैक्ट डेटा है. तो इसका मतलब है कि उसको कैसे, और उसमें डेयरी भी आ जाता है फूड में, और टीवी आ जाता है, हम लोग तीनों लोग बैठे, तीनों के टीवी पे बोल देता हूँ. तो एग्री और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलने की जरूरत है. सेम वे एक और भी सेक्टर है जो बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है और उसको बढ़ावा देने की बहुत जरूरत है, टेक्सटाइल. तो टेक्सटाइल सेक्टर ऑल्सो इज अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूटर टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्पेशली द स्मॉलर यूनिट्स. तो मेरे हिसाब से ये सब सेक्टरों को आइडेंटिफाई करके इसमें क्या क्या हम लोग बेनिफिट दे सकते हैं, और ये सेक्टोरल बेनिफिट्स ये बजट में हमको देखने चाहिए. एक सेक्टर अगर आप जॉब क्रिएशन के परस्पेक्टिव से पूछें, चाहे आई टेक फिरोज़'s पॉइंट, 947 ऑल्सो मेक अ सिमिलर पॉइंट, एग्री इज ऑब्वियसली समथिंग दैट हैज टू यू नो काइंड ऑफ टेक सफिशिएंट इंपेटस, बट द सेक्टर ऑनेस्टली that can create maximum jobs
with minimum investment is tourism. A 12 lakh investment gives 78 jobs. This is a proven data. मैंने नहीं बनाया है. Agriculture के अंदर 40 है, manufacturing unfortunately 20 है. Having said that, we need a good mix of all three. But tourism is again, so you know, any sector that you see is largely connected back towards infrastructure. So you cannot support tourism unless and until you have infrastructure. So coming back to everything, you will have to develop a far greater corporate bond market for infrastructure. ये सब चीजें budget कर सकती है. Corporate bond market बताइए. Ensure it goes back to bank. he will ensure everything goes back to the bank. But I think more importantly, in agreement with some of the panelists and also an extension to that, के जॉब क्रिएशन इस पर एक बड़ी सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है. वो है रेलवे बजट और अपना जो यूनियन बजट इकट्ठा. रेलवे आई थिंक इज अ बिग, वेरी बिग जॉब क्रिएटर. अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ जो ट्रैक ले होता है और अभी वो जो यू नो वी आर नाउ हैविंग एलिवेटेड ट्रेन्स विच वी आर क्रिएटिंग, सिग्निफिकेंट वे ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स. बट आई विल गो विद द यू नो सोडी साहब जो उन्होंने कहा, आई थिंक एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग जिसमें यू नो लॉट ऑफ दीज थिंग्स विल कवर, उसको इम्पेटस देना और उसमें इंसेंटिव देना आई बिलीव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट जॉब्स. उसमें जॉब क्रिएशन यू नो पराग भाई बताएंगे कितने लोग लगते हैं एक बागान में, फिरूज भाई बता सकते हैं फूड प्रोसेसिंग और यू नो यू कैनॉट से कोऑपरेटिव्स. बैंकिंग ऑफ कोर्स विल कम इन, बट इंपॉर्टेंट थिंग इट विल ऑलवेज रिमेन के इंफ्रा टू सपोर्ट दिस. Absolutely. That should be the criteria. I think, you know, in addition to what he said, the government program, जो Skill India का है, it is exactly this. आज जो नई economy, नए industries जो आने वाली है, वो current population को कौन train करेगा? You know, पहले तो ऐसा होता था कि लोग वहाँ garden में पैदा होते हैं, थोड़ा primary education हो गया, tea plucking में जाके पूरी ज़िंदगी निकल गई. अभी ऐसा नहीं है. Now people are getting better educated, so they need properly trained. Training on behalf of the government, private sector, everyone, to make them relevant to the job which is on offer. Varna kya hota hai ki there is a lot of frustration ki you know hum padhe likhe hai but hame kaam nahi mil raha hai. Right. To kaam milne ke liye thodi training hone ki zarurat hai. Last additional point, definitely one announcement that I don't want in a budget, I do not want more IIMs and more IITs. Sodi ji, aapka closing remark kya hoga isme? Main to ye chahunga ki is बजट में एक्सपेक्ट करते हैं कि 70% जो हमारी जनता गांव में रहती है और उसमें कृषि को और पशुपालन को एक ही निगाह से देखा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें. ऑल राइट, सो दिस हैज़ बीन अ ग्रेट डिस्कशन और अब देखना होगा कि इस कॉन्क्लेव में जो कुछ बातें हुई हैं उसमें से कितना कुछ वाकई बजट में हो पाता है. हमने अलग अलग व्यूज़ देखे और सुने. पीरूज इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, सोडी जी बड़े रियलिस्टिक साउंड कर रहे हैं, धीरज ने कई सारे आइडियाज़ दिए हैं, लेकिन द डी डे इज़ ऑन Feb 1. देखना होगा उस दिन क्या होता है बजट में. तब तक आप बने रहिएगा जी बिजनेस पर हमारे साथ. थैंक यू.